हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज सर्कल। आज है 30 मार्च 2019 और 30 मार्च से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उन सब की चर्चा इस वीडियो में करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। तो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स के प्रश्नों का सिलसिला। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल निवेश शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, बी काठमांडू, सी पाटन और डी जनकपुर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी काठमांडू, यानी काठमांडू में नेपाल निवेश शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किया जाएगा। आइए नेपाल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तत्व जानते हैं। नेपाल भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित एक दक्षिण एशियाई हिमालयी राष्ट्र है। नेपाल में हिंदुओं की संख्या प्रतिशत के आधार पर विश्व में सर्वाधिक पाई जाती है। नेपाल की राष्ट्रभाषा नेपाली तथा यहाँ की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रणी अंतरिक्ष यात्री वालरी बायकोस्की किस देश से संबंधित थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन नंबर ए रूस, बी चीन, सी भारत और डी जापान। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रूस, यानी ये अंतरिक्ष यात्री रूस से संबंधित थे। रूस पूर्वी यूरोप और उत्तर एशिया में स्थित एक विशाल आकार का देश है तथा यह विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश है। रूस की राजधानी मॉस्को तथा यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। रूस की मुद्रा रूबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बोडले मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए रघुराम राजन, बी अमृत सेन, सी डॉक्टर मनमोहन सिंह और डी अरुंधति राय। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमृत सेन। अमृत सेन भारत के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच स्टार्टअप से ऊपर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समझौता ज्ञापन पर अपनी स्वीकृति दी है? ऑप्शन नंबर ए भूटान, बी रूस, सी कोरिया गणराज्य और डी फ्रांस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोरिया गणराज्य। क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने एकल उपयोग यानी सिंगल यूज वाले प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन नंबर ए यूरोप, बी फ्रांस, सी भारत और डी चीन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यूरोप। यूरोपीय संसद ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया है। इसमें प्लास्टिक कचरे के खिलाफ यूरोपीय संसद ने समुद्र तटों को प्रदूषित करने वाले महासागर और समुद्रों में उपस्थित एकल उपयोग वाले प्लास्टिक कचरों जैसे कि कटलरी, स्ट्रा, कपास की कलियां आदि पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी नमक की गुफा खोजी गई है? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी इजराइल, सी ईरान और डी श्रीलंका। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इजराइल। इजरायली खोजकर्ताओं ने मृत सागर के नजदीक विश्व की सबसे लंबी नमक की गुफा खोज निकाली है। इस गुफा का नाम मालहम है जो मृत सागर के दक्षिण पश्चिमी कोने तक फैली है, इजरायल के माउंट सोडम से होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल में 5000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन है? ऑप्शन नंबर ए रोहित शर्मा, बी विराट कोहली, सी सुरेश रैना और डी क्रिस गेल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विराट कोहली। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली ने 28 मार्च 2019 को इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के करियर में 5000 रन पूरे किए हैं। इस उपलब्धि को हासिल करने वाले वह दूसरे बल्लेबाज हैं। सुरेश रैना इस उपलब्धि तक पहुंचने वाले पहले बल्लेबाज हैं। सुरेश रैना ने इसी सीजन के पहले मैच में बेंगलुरु के विरुद्ध 5000 रन आईपीएल रन पूरे किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल होने के कारण गोल्ड रेटिंग दी गई है? ऑप्शन नंबर ए कानपुर, बी विजयवाड़ा, सी भोपाल और डी जयपुर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विजयवाड़ा। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन भारत के सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शनों में से एक है, जिसे भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग ने ग्रीन मीजर्स के लिए गोल्ड रेटिंग दी गई है। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन 100% LED प्रकाश व्यवस्था स्थापित की है। पंखे 5-स्टार रेटेड हैं और
सौर ऊर्जा का उपयोग पहले से ही जल तापन प्रणाली के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मार्था फेरेल से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हर्ष बनर्जी, बी मनु गुलाटी, सी आनंद कुमार और डी मधुकर गोयनका। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मनु गुलाटी। अभी हाल ही में मनु गुलाटी को मार्था फेरेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मनु गुलाटी दिल्ली में कार्यरत एक शिक्षिका हैं। ये महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ कार्यक्रम चलाती हैं, इस कारण इनको मार्था फेरेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही इनको 1,50,000 रुपए की पुरस्कार राशि भी प्राप्त हुई है। आइए दिल्ली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी जानते हैं। दिल्ली के राज्यपाल अनिल बैजल हैं तथा यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। लास्ट क्वेश्चन है, बेस्ट स्पोर्ट्स फेडरेशन का पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, बी मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज, सी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डी द नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी द नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRAI को एसोसिएशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा देश में सर्वश्रेष्ठ खेल महासंघ का पुरस्कार दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ यानी NRAI भारत में शूटिंग खेल को बढ़ावा देने के लिए लोकप्रिय बनाने के लिए 1951 में स्थापित किया गया था। इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर्स के प्रश्नों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। आज की करंट अफेयर्स की PDF की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप नॉलेज सर्कल को Facebook पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें तथा ऐसे ही करंट अफेयर्स और जॉब रिलेटेड न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल नॉलेज सर्कल को अभी सब्सक्राइब करें। नॉलेज सर्कल ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।